फ्लेवर्स ये हैं हमारे पास, जिंगर चिकन। आज हम आपको इसके बनाने का पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे कि जिंगर शॉर्मा, जिंगर पराठा रोल और जिंगर बर्गर बनता कैसे है। आइए देखते हैं, हम आपको ये आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। आइए व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको विजिट करवाते हैं कि जिंगर शॉर्मा, जिंगर बर्गर और हॉट शॉट कैसे बनते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये है हमारे पास थाई बोनलेस जो कि जिंगर बर्गर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये है हमारे पास ब्रेस्ट बोनलेस जो कि चिकन ब्रेस्ट बोनलेस जो कि आमतौर पे पराठा रोल और जिंगर शॉर्मा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आइए व्यूअर्स, हम आपको दिखाते हैं कि इसकी ब्रेडिंग कैसी होती है। सबसे पहला प्रोसेस ब्रेडिंग का है, आइए देखते हैं इसकी ब्रेडिंग कैसे होती है और हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे और समझाएंगे कि जिंगर चिकन बनता कैसे है। व्यूअर्स, ये हमारे पास थाई बोनलेस है, इसकी हम ब्रेडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। ये हम ऐड कर रहे हैं इसको मैदे के अंदर। अब इसका ब्रेडिंग प्रोसेस स्टार्ट है। और इसको पानी में डिप करेंगे। पानी में डिप करने के बाद इसको हम दोबारा मैदे के अंदर ऐड करेंगे। ये मजीद मैदे को ऐड किया जा रहा है, ये देखें। अब इसको हम दोबारा मैदा लगाएंगे। ये आ गया दोबारा बास्केट में और इसको दोबारा से ही पानी में डिप किया और फिर दोबारा इसकी ब्रेडिंग की। ये भाई तीसरी मरतबा लग रहा है मैदा, कितनी मरतबा लगता है? तीन मरतबा मैदा लगता है। ये हमारा ब्रेडिंग प्रोसेस कंप्लीट है। ये भाई दिखाइएगा ब्रेडिंग, ये देखें, ये हमारी ब्रेडिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें कितने ज़बरदस्त क्लम्स बने हैं। ये था हमारे पास थाई बोनलेस क्लम्स, देखें आप कितने ज़बरदस्त बने हैं। व्यूअर्स, ये है हमारे पास चिकन ब्रेस्ट बोनलेस जिसके चिकन शवारमे और चिकन पराठा रोल तैयार होते हैं। ये है जी हमारा जाएगा अब ब्रेडिंग प्रोसेस के लिए। अब ये जा रहा चिकन हमारा व्यूअर्स ब्रेडिंग के लिए।
अब हम इसकी भी आपको ब्रांडिंग दिखाते हैं। ये भी भाई 3 मरतबा मैदे में जाएगा, ये भी जैसे सेम प्रोसेस है, लेकिन हमारे पास जो जिंगर बर्गर के लिए जो बोनलेस होता है वो थाई बोनलेस होता है, और ये चिकन ब्रेस्ट होती है। इनके जो कट्स होते हैं ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं और बड़े ध्यान से लगाए जाते हैं इनके कट्स। ये अब पानी में जाएगा, पानी में जाने के बाद अब ये जाएगा दोबारा मैदे में। अब ये व्यूअर्स दूसरी मरतबा पानी में जाएगा, और दूसरी मरतबा पानी में जाने के बाद ये फिर तीसरी मरतबा इसकी ब्रेडिंग होगी। ये है हमारा थाई बोनलेस, अब आएगा हमारा ब्रेस्ट बोनलेस। ये है हमारा, देखें यार कितने ज़बरदस्त क्लम्स बने हैं, एक्सीलेंट। ज़बरदस्त, ये हमारा चिकन तैयार है। और ये है हमारे पास जिंदे शोरबे का पराठा रोल के लिए, और ये है मौजूद हमारे पास जिंदे बर्गर के लिए। अब ये फ्राइंग के लिए तैयार है दोस्तों, अब हम इसको फ्राइंग करेंगे भाई डीप फ्रायर में, इसको फ्राई जी। अब इसको डीप फ्रायर में हम फ्राई करेंगे। ये है दोस्तों फ्रायर हमारा, सिंगल मटेरियल जो होगा वो जाएगा अब फ्रायर में। ये चला गया फ्रायर में, ठीक, ये चला गया जनाब फ्रायर में। इसको भाई कितने मिनट बनाना है? 8 मिनट डीप फ्रायर में हमने इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए, टाइमर सेट होता है कितने टेम्परेचर पे? टेम्परेचर 161 अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है, और इसको हमने तकरीबन 8 मिनट के लिए इसको बनाना है। ये टाइमर सेट हो गया, 8 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। हमारे जिंगर चिकन को तकरीबन 4.5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें आप, इस वक्त टेम्परेचर है 156 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखें ये अभी तक तैयार हो रहा है, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये क्लम्स बने हैं, और ये तकरीबन हाफ फ्राई है। ये देखें हमारा चिकन बन रहा है, ओके, ये तकरीबन 8 मिनट में फ्राई होता है डीप फ्रायर के अंदर, और उसके बाद हम इसको प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्गर में इस्तेमाल होता है, शॉर्मे में इस्तेमाल होता है, पराठा रोल में इस्तेमाल होता है। दोस्तों हमारा जिंगर चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है, 8 मिनट हो गए हैं, और अब ये तकरीबन फुल फ्राई हो चुका है। ये देखें आप, थोड़ी देर के लिए हम इसको सोक होने देंगे। ये दोस्तों बिल्कुल तैयार है हमारा जिंगर चिकन, क्या ज़बरदस्त तैयार हुआ है, इसके ग्लम्स देखें बिल्कुल KFC स्टाइल है, बहुत ज़बरदस्त के क्लम्स बने हैं और KFC स्टाइल है। दोस्तों हमारे यहाँ पे जिंगर बर्गर तैयार हो रहा है,
ये हमारे पास जिंदा शॉर्मा और जिंदा पराठा रोल का मटेरियल, और ये हमारे पास जिंदा बर्गर लाइक KFC स्टाइल दोस्तों। और हम आपको बना के दिखाएंगे कि इसको हम बर्गर में ऐड कैसे करेंगे। हाँ ये दोस्तों हमारा जिंदा शॉर्मा तैयार होने वाला है। सबसे पहले पीटा ब्रेड शॉर्मा की पैटी गर्म करेंगे। इसमें मायो सॉस, उसके बाद इसमें ऐड होगा सैलेड, सैलेड के बाद इसमें जिंदा चिकन, ये देखें भाई जिंदा चिकन, गार्लिक सॉस और उसके बाद मायो, और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसकी पैकिंग कर दीजिए। ये दोस्तों अब हमारा तैयार हो रहा है जिंगर पराठा रोल। ये है हमारी पराठा पैटी, ये पराठा हमारा, और दूसरा हमारा तैयार हो रहा है इसके पैरेलल में जिंगर बर्गर। ये भी दोनों हम तैयार करवा रहे हैं, जिंगर बर्गर और पराठा। तकरीबन हमारी पराठा पैटी तैयार है, आखिरी मराहल में है, और साथ में हमारे पास बर्गर भी तैयार हो रहा है। सबसे पहले पराठे के ऊपर मायो सॉस, और उसके बाद सैलेड, सैलेड के बाद इसमें जाएगा जिंदा चिकन, गार्लिक सॉस, और उसके बाद जाएगा मायो, मायो सॉस जाने के बाद अब इसकी पैकिंग होगी। ये देखें भाइयों, हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे ये दोनों कैसे बनते हैं। ये हमारे जिंदा बर्गर तैयार हो रहा है। सबसे पहले जाएगा मायो दोनों पैटीज के ऊपर, ये देखें भाई कितना मायो डाला भाई ने। इसके बाद सैलेड, सैलेड के बाद भाई ये थाई का पीस आता है जिंदा बर्गर में, ये है जी थाई का पीस, ये थाई जाती है जिंदा बर्गर के अंदर, और ये एक भाई KFC स्टाइल जिंगर बर्गर तैयार है।